गणेश जी क्या कहेंगे अपनी इस फिल्म के बारे में गंसो बनारस? बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म है गंसो बनारस, और साउथ में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 20 फिल्में कर चुका हूँ, और इंतज़ार था सही स्क्रिप्ट का, सही किरदार का बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए। आई थिंक हर एक्टर के लिए हिंदी में फिल्म करना एक ड्रीम होता है, और मेरे ख्याल से गन्स ऑफ बनारस सही फिल्म है, बिकॉज ये जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ विक्रम सिंह, आई थिंक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये एक तमिल फिल्म पोल्लादवन की ऑफिशियल रीमेक है, और ओरिजिनल फिल्म देखी है मैंने, और इसमें जो विलन का किरदार है जो मैं निभा रहा हूँ हिंदी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, द एंटागोनिस्ट, और काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा मुझे कैरेक्टर प्ले करने के लिए। अभी फिल्म तैयार है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द फाइनल प्रोडक्ट, 28 फरवरी को रिलीज है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटमेंट, लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी, ऑडियंस इसे कैसे एक्सेप्ट करेगी और खासकर मेरे कैरेक्टर को, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। Don't you think you're too handsome to be a villain? I think that's the challenge for the actor. You're very kind to say that. I think, जैसे मेरे director Sekhar Suri हमेशा कहते हैं कि villainism is a state of mind, not the body. और उन्होंने भी मुझे बताया था कि Bollywood में एक ज़माना था जब विनोद खन्ना जी आए थे as a villain, और शत्रुघ्न सिंह अर्चना आए थे, his baritone voice and his personality as a villain. They got noticed and people loved them in those characters. और I think south में भी ये हुआ है कि अरविंद सामी ने विलन रोल किया and people loved him, it was his comeback. So I think villain characters have always had this intrigue and they create the conflict in the film. So उस किस्म का एक story है जहाँ एक बहुत ही powerful villain with a good personality and जैसे वो स्क्रीन पर आए तो स्क्रीन फाड़ दे, उस तरीके का विलन चाहिए था और वैसा ये कैरेक्टर है। एंड एज एन एक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरी तरफ से चाहिए था, सो आई टैन माई सेल्फ फॉर द फिल्म एंड वी एनहेंस्ड इट विद मेकअप, सो ऑलमोस्ट 4-5 शेड्स डार्कर आई एम इन द फिल्म, थोड़े फ्रेकल्स लिए हुए हैं, आई ग्रू अ बियर्ड, वी पुट अ स्कार ओवर हियर, आई हैव अरोरा बाबा टैटू ओवर हियर, आई एम अ कोकेन एडिक्ट, ही इज वेरी इंटेंस, सो इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक व्हेन पीपल सी दैट ऑन स्क्रीन they will believe completely that this guy is menacing, he's a real badass. आपको ये लगता है कि मतलब साउथ की फिल्में जो है उसको एक जो फैन फॉलोइंग है नॉर्थ में बहुत काफ़ी ज़्यादा है, सो द रीज़न आपने हिंदी से शुरुआत करते हुए आप साउथ में सेटल हो गए? नहीं, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, तो आई हैव बीन बेसिकली माई लाइफ इज़ बीन मोर लाइक अ डेस्टिनीज चाइल्ड, हिंदी में टेलीविजन सीरियल कर रहा था और उसी दौरान पहली तमिल फिल्म ऑफर हुई एक बहुत बड़े बैनर के साथ, प्रकाश राज जी के बैनर और एक बड़े हीरोइन के साथ त्रिशा, सो मैं वो फिल्म की, वो फिल्म सुपर हिट हुई और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कमल सर के साथ काम किया, नागार्जुना, मोहन लाल एंड फाइनली अमिताभ बच्चन सर का बेटा बना एक फिल्म में, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा है, और सिमिलरली बॉलीवुड भी मेरा साउथ का काम देख के मुझे ऑफर किया, तो आई थिंक आई हैव जस्ट ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई वॉन्ट टू बी वर्किंग इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड आई द वे इट पैंस आउट इट डजेंट मैटर, साउथ की फिल्में करूँ हिंदी फिल्में करूँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लार्जर थिंग ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक साउथ इंडस्ट्री का एक अपना एक वर्किंग पैटर्न है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक वर्किंग पैटर्न था, हालांकि आप दोनों इंडस्ट्री में काम कर चुके तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी डेफिनेटली कल्चर अलग है, साउथ में वर्किंग कल्चर अलग है एंड इवन द कल्चर ऑफ द लैंड इज़ डिफरेंट एंड बॉम्बे में अलग है, मेरी प्लस ये रह चुकी है बिकॉज आई स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस और बिकॉज आई अंडरस्टैंड मल्टीपल कल्चर्स, मैं इजीली अडाप्ट हो जाता हूँ, तो साउथ में भी चार इंडस्ट्रीज़ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, और वो इंडस्ट्रीज़ भी एक दूसरे से बहुत अलग है, तो वहाँ अडाप्ट होना मेरे लिए आसान था, ये फिल्म भी बहुत इजी था मुझे अडाप्ट करने के लिए, तो आई एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज मुझे एक ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं है, आई कीप यू नो आई थिंक माहौल के हिसाब से मैं अपने आप को अडाप्ट करते रहता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया वर्किंग ऑन दिस फिल्म। आपके को एक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, करण और नतालिया? Definitely, I think Karan is a very, very hard working guy and very passionate actor and ek perseverance hai. So though he comes from a film family, ek sahi opportunity ka intezar raha hai and he always wanted to do quality films. So I think in many ways this is a debut film for Karan also. We both are debutants because his film ke dwara there's a new Karan Nath that people will see. And I'm really hoping, my fingers are crossed, that this film really turns out to be very good and gives him the spark that he wants to do more films in the future. Okay. इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं?
सो साउथ में काफ़ी सारी फिल्म्स लाइंड अप है, एक तमिल कर रहा हूँ, एक तेलुगू फिल्म कर रहा हूँ, और ये होप है कि इसके बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बॉलीवुड फिल्म्स हो, ओटीटी हो, एवरीथिंग, आई एम ओपन टू एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.